अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे थे कि हम लोग मोबाइल पर किस तरह से शार्डनिंग को बाईपास कर सकते हैं, तो उसका हल लेकर लाया हूँ आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग एक स्टेप भी मिस करेंगे तो आप लोग मोबाइल पर शार्डनिंग को बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप लोगों को बरवक्त मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जाना है यहाँ पर प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कीवी ब्राउज़र को सर्च करना है और आप लोगों ने इसको करना है इंस्टॉल, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों के मोबाइल पर कोई भी वीपीएन इंस्टॉल है तो सही है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पर एक वीपीएन जो है डाउनलोड करना है, वो है ब्रोजिक वीपीएन। तो ये वीपीएन भी आप लोगों ने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जाना है अपने ब्राउज़र पर, जहाँ पर आप लोग जो ब्राउज़र आप लोगों ने डाउनलोड किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है वायलेंट मोंकी एक्सटेंशन। तो जब आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ये जो पहला लिंक शो है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक और इंटरफेस ओपन होगा। जो पहला लिंक क्लिक किया है तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास शो हो रहा है रिमूव दिस कोरम। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर ऐड टू कोरम पर क्लिक करें। इसके बाद आप लोगों ने एक एक्सटेंशन और भी इंस्टॉल करना है, बूस्टर कैप्चा। तो आप लोगों ने इस एक्सटेंशन को भी सर्च करना है और यहाँ पर आप लोगों को ये जो पहला लिंक शो हो रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड टू कोरम पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पर ऐड करना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे आखिर में आप लोगों को दोनों एक्सटेंशन शो होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर शो नहीं हो जाए, तब आप लोग यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन पर, और यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल हैं या नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोगों को शो ना हो, तो यही समझना कि ये एक्सटेंशन आप लोगों के ब्राउज़र पर इंस्टॉल नहीं हुए। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जाना है अपने वीपीएन पर और यहाँ पर अपने वीपीएन को करना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको ऑन करना है। जब आप लोग इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, यही समझना कि आप लोगों का जो वीपीएन है वो हो चुका है कनेक्ट, और आप लोगों को यहाँ पर भी शो होगा कि आप लोगों का वीपीएन हो चुका है कनेक्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों ने जाना है अपने ब्राउज़र पर। तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है बाईपास ऑल शार्ड लिंक्स जर्सी फ्रैग। जब आप लोग बाईपास ऑल शार्ड लिंक जर्सी फ्रैग सर्च करेंगे, तो आप लोगों को ये जो पहला लिंक शो हो रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन बटन पर शो हो रहा है इंस्टॉल दिस स्क्रिप्ट, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक पॉपअप आएगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नीचे ये जो इंस्टॉल शो हो रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जब आप लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये जो स्क्रिप्ट है ये हो जाएगा इंस्टॉल। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने ब्राउज़र को रीलोड करना है। जब आप लोग इसको रीलोड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर री इंस्टॉल शो होगा। रीलोड करने के बाद आप लोगों ने इन सारे एक्सटेंशन को यहाँ से करना है रिमूव, और एक बार जो है आप लोगों ने अपना सारे ब्राउज़र्स को यहाँ से करना है रिमूव। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वीपीएन को करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को एक स्क्रिप्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उस स्क्रिप्ट को करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और उसको
जो है यहाँ पर करना है ओपन। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको करना है कॉपी, सिलेक्ट ऑल करना है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वायलेंट मोकी पर आना है। वायलेंट मोकी पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। जब आप लोग सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जो जितने भी स्क्रिप्ट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आना है अपने वायलेंट मोकी एक्सटेंशन पर। फिर आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को शो होगा एक प्लस का साइन जो थ्री डॉट्स के साथ है, तो आप लोगों ने इस प्लस वाले साइन को करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसको करना है रिमूव। इसी तरह आप लोगों ने इन सबको जो है यहाँ से करना है रिमूव। तो मैं जल्दी से इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ। जो स्क्रिप्ट आप लोगों ने कॉपी किया था वो आप लोगों ने यहाँ पर करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर शो होंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर कितने स्क्रिप्ट इंस्टॉल किए हैं अपने एक्सटेंशन पर। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जाना है अपने अकाउंट को ओपन करना है इसी ब्राउज़र पर जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने अकाउंट को ओपन करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। तो आप लोगों ने अपने अकाउंट पर जाना है और यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं हमारा जो है ऑटोमेटिकली रिकैप्चा सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है फ्री टोकन पर और यहाँ पर आप लोगों ने जाना है शॉर्ट लिंक पर। तो अब हम यहाँ पर करेंगे चेक कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो काम कर रहे हैं या नहीं, कि हमारे शॉर्ट लिंक को बाईपास कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक जो है शॉर्ट लिंक है जो थ्री स्टेप का है। तो हम इस शॉर्ट लिंक को करेंगे विजिट। तो याद रखें कुछ जो है शॉर्ट लिंक इस इन स्क्रिप्ट्स के ज़रिए बाईपास होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो शॉर्ट लिंक है ये कंप्लीट नहीं होगा, तो आप लोगों ने इसको जो है स्किप करना है। तो हम यहाँ पर एक और देखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक टू स्टेप का मिला है तो हम इसको करेंगे विजिट। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे वेट, यहाँ पर आएगा एक कैप्चा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैप्चा जो है हमारा ऑटोमेटिकली रिलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जब आप लोग स्क्रिप्ट रन करेंगे शॉर्ट लिंक को बाईपास करने के लिए तो आप लोगों का जो कैप्चा है वो ऑटोमेटिकली इसी तरह सॉल्व होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रिडायरेक्ट हो गए हैं फाइनल लिंक पर। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे वेट। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो शॉर्ट लिंक है वो हो चुका है बाईपास सक्सेसफुली। तो ये था इसका सिंपल सा तरीका कि आप लोग किस तरह से मोबाइल के जरिए अपना शॉर्ट लिंक को बाईपास कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली पास द शॉर्ट लिंक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।